तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अलोपी दरी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक लोग थे अपने जोगिया दरी, देखिए जा रहे हैं पीछे जंगल ही जंगल, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। 5 किलोमीटर से हम लोग चले ही जा रहे हैं भाई। आई एम स्कैर्ड, हम भी बहुत डर गए भाई, दिल दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैसे सब दिल तोड़ देते हैं, दिल जोड़ देते हैं। यहाँ आइए, दिल की फटी पड़ी है। दिल की फटी है दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग जरूर जोगिया दरी आपको दिखाएंगे। लोकलों से ज्यादा ही परिचित हूँ, उन लोगों से रास्ता पूछे, गूगल के भरोसे ना आए तभी तो अच्छा पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मिर्जापुर का एक हिडन वाटरफॉल है जिसके लिए ये। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसी चौराहे से हम लोग गलत मुड़े थे, आप लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है, और इसके लिए हाँ दोस्तों हम आप लोगों को जोगिया दरी जाते हुए हम लोग चारों तरफ दिखाई, रास्ता ही नहीं है, जंगल ही जंगल है, यहाँ छिनेती लूट मार सब हो सकता है भाई लोग, लेकिन क्या करे, आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए जोगिया दरी का रास्ता, अपने जोगिया दरी देखिए जा रहे हैं पीछे जंगल ही जंगल, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। 5 किलोमीटर से हम लोग चले ही जा रहे हैं और रास्ता भी नहीं है भाई, पता नहीं हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या पता हम लोग को इधर ही रात बिताना पड़ जाए। सही रास्ता है ये? सही रास्ता नहीं है, बस हाँ हम लोग एक लकीर देखते हुए चल रहे हैं, अभी तक किसी आदमी से मुलाकात नहीं हुआ है हमारा, जैसे ही कोई मिलता है तो हम लोग रास्ता जरूर पूछेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग जरूर जोगिया दरी आपको दिखाएंगे। हिडन भाई, रास्ता ही नहीं है, कैसे जा रहे हैं, बस अपने सिक्स सेंस से जा रहे हैं हम लोग, छोटी सी पगडंडी है दोस्त भाई, कैसे जा रहे हैं, देखो जंगल है, कुछ भी हो जाएगा तो हम लोगों को आप लोग ढूंढ लीजिएगा, घर वालों को भेज दीजिएगा। दिखाओ भाई जंगल, दिखाओ मिर्जापुर का हिडन जेम जोगिया दरी। जोगिया दरी में जाते हुए भाई मजा तो थोड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन डर बहुत आ रहा है, कोई शेर बिला चिड़िया खरगोश क्या मिल हमला कर सकता है, भालू, देखिए जंगल है, अमेजन के जंगल से भी खतरनाक जंगल है, क्या करें हम लोग, जाना तो पड़ेगा ही। कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाइए, इधर उधर दिखाइए, कैमरामैन को तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो लग रहा है। फुल पेमेंट करो इसका, पहले ये सोच रहा है कि हमारी आखिरी रास्ता है, पेमेंट करो नहीं तो ये घर भेजेगा, तभी कहेगा आप आगे चलेंगे। बोलो भाई, हाँ भाई, देखिए हाँ भी बोला है डरते हुए, पता नहीं पेमेंट पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, सिग्नल तो गायब हो गया है, गूगल मैप की मरा गई है, वो बता ही नहीं रहा, इधर उधर बता रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही बाबा के धाम। चलते रहो, रास्ते को भी दिखाते रहो, रास्ता कितना ऐचा कैचा है। सचिन, इसको कहते हैं असली ऑफ रोडिंग, लोग कहते हैं ना थार से ऑफ रोडिंग करो, हम लोग ट्रिपलिंग होकर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। अगर जिसको मजा लेना है ऑफ रोडिंग का ना, वो जोगिया दरी एक बार जरूर आए, जंगलों से होते हुए कूद फान के जाना पड़ जाएगा, कभी कभी लगता है कि बाइक को कंधे पर उठाना पड़ जाएगा। अगर बाइक को कुछ हुआ भाई ना, समझ लेना हम लोगों की जान अटक गई, 2-3 दिन लगेगा इसमें से निकलने के लिए, खाना पीने का व्यवस्था लेकर भी नहीं है, हम लोग पहुंच गए जोगिया दरी, पानी का पता ही नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों, उतर के दिखाओ, ये नदी टकाने के लिए उतरना पड़ जा रहा है, नहीं उतरेंगे तो हम लोग की बाइक खराब हो जाएगी, और यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर हम लोगों को पैदल जाना पड़ जाएगा। लेकिन क्या करें दोस्तों, आप लोगों का प्यार है, हम सोचते हैं कि जोगिया दरी एक हिडन वाटरफॉल है जो कि मिर्जापुर में आता है, लेकिन कोई आता भी नहीं है यहाँ, कोई देखा भी नहीं इस पार को, इसीलिए हम लोग थोड़ा मेहनत करके आ रहे हैं जंगलों के भीषण में, जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है, ना पानी है, एक तरीके से वही फीलिंग आ रही है जो डिस्कवरी चैनल पे बियर गिल्स होता है, वो वही हिसाब से लग रही है हम लोगों को, जानवर कहीं ना कहीं दिख जाएगी तो गनिया फट जाएगी हम लोगों की, कि क्या करे यार, भाई बचा लो यार, देखो भाई उधर देखो, उधर टाइगर कुछ है वहाँ, ओ चला गया लगता है, झाड़ियों में चला गया था ना, हाँ भाई था भाई, कौन सा जानवर था, मेरी तो अब फट रही है, अब आगे जाने पर घुमा ले क्या गाड़ी भाई लोग, नहीं भाई हम लोग डर के जीतेंगे, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए चलेंगे, यूट्यूब फैमिली के लिए,
भाई लाइक कर देना, भाई शेयर कर देना, इस दरी को हम लोग उजागर करेंगे। बहुत लोग किए हैं लेकिन ऐसे नहीं किए होंगे, भाई देख लो ये लग रहा है चाइना के जंगल में आ गए। इतने दूर आने के बाद दो बच्चे हम लोगों को दिखे हैं, पता नहीं इस जंगलों में कर क्या रहे हैं। बच्चे कहाँ है भाई, तुमको कहाँ दिखे? भाई दिखे सामने दिखे हैं, एक महिला भी दिखी है भाई। महिला है, दो बच्चे, भाई महिला भी दिखी है। पूछे नहीं रास्ता भाई, इसको कहते हैं असली ट्रैकिंग। लगता है भाई हम लोग भुतला गए हैं। हाँ, फिर आ गए हैं गूगल मैप वाले भैया केने बाढ़। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम लोग मैप लगा कर आए थे, मैप वाला ही धोखा दे गया। गूगल तो धोखा नहीं देता, इतना पैसा बेंचो तब कहाँ कमा कर रखेगा। ये रोड डिफाइन नहीं कर पा रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है। बच्चों सभी जगह आना, जिसके गांड में दम होगा, जिसके पिछवाड़े में दम होगा, वही जोगिया दादी का रास्ता फतेह करेगा। तुम लोगों को क्या लगता है? देखिए इनसे हम लोग रास्ता पूछेंगे, आपके सामने ही पूछेंगे। पूछिएगा बाबा, हम पूछेंगे कि आप लोग पूछेंगे? पूछ लेंगे ना। इनसे अब हम लोग रास्ता पूछेंगे, बताएंगे। लगता है खतरनाक है, सज्जन पीस लगते हैं। चाचा जोगिया दरी जाई, जोगिया दरी लगा ला रास्ता, इधर इधर बहरी जाए कोई से ये रास्ता जाके मिल जाए ना। कितना दूर से मुड़ा कोई से? थोड़ा दूर से दहीने मुड़ा के बाकी बाहे। अच्छा मतलब बाहे इधर ना। अच्छा उधर से हो जाए तो चल जाए। अच्छा चल जाए। कितना दूरी हुई दादा? कितना दूरी हुई? मतलब रोड जाके फिर इधर दहीने होके डंडी तक पकड़ ले ना। अच्छा ठीक धन्यवाद। थरवा के घुमा से घुमा के। अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा धन्यवाद भाई। देखे हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं, रास्ता ही गूगल मैप। चलूगन भाई। देखिए आदमी ने तीन रोड बताया लेकिन हम लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, यही गिट्टी कुछ बिछा हुआ लग रहा है, इसी को पकड़ कर हम लोग चल रहे हैं भाई। देखिए रास्ते की कोई खबर नहीं, जान हथेली पे, जानवर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए अब लगता है उस वाले पत्थर पर, दिखाओ भाई उस वाले पत्थर पर चढ़ा कर जाने के लिए बोल रहे थे, तो पगला गए इंसान यहाँ के, अब उस पर कैसे चढ़ाएंगे हम लोग। नीचे नीचे जा रहे हैं, देखिए साइड से जा रहे हैं क्या होता है। अब तो हम लोगों का इससे अच्छा तो हम लोग सीधना दरी घूम लेते हैं। हाँ सीधना दरी घूम लेते हैं जहाँ भीड़ लगती है, लेकिन एडवेंचर कहाँ रह जाता भाई। हम लोगों की फटती कैसे, खुद की फाड़ने के लिए खुद ही जा रहे हैं हम लोग। बताइए देख लीजिए, खुद की फाड़ने के लिए खुद ही हम लोग जा रहे हैं। ये है लड़कों का अंदर का दम, दम के अंदर डर, डर के अंदर माउंटेन ड्यू भाई। लेकिन नहीं मिला, ठंड में कहाँ मिलेगी पीने के लिए। मीडियम स्पीड पर, 5-3-4-5 की स्पीड पर चला रहे हैं। आप लोगों को सजेशन है कि ट्रिपलिंग ना करें क्योंकि रोड बढ़िया नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ आना है घूमने के लिए तो एक हवा भरने वाला पंप लेकर चले होते हैं। अब बताओ भाई। देखिए हम लोग रास्ते की खोज में किसी से पूछकर फिर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को ओ साला ब्लॉग बनाने के चक्कर में दिखाइए, कांटा धस गया मेरे भाई को। निकली कैसे, उतर के निकली। ये निकाल रहे हैं, ये कांटा निकाला है भाई। कितने तकलीफ में हम लोग हैं। लाइट चला दो जाता नहीं रे भाई। वो क्या है वो? अरे यार वो कीड़े की तरह लटका हुआ है, जो आग फोड़ू कीड़ा होता है, आग का मलाई खा जाता है। इधर देखा, वही वही देख लीजिए, आग फोड़ू कीड़ा।
कांटे की ओर में से हम लोग चले जा रहे हैं। सचिन भाई तुम बताओ, तुमको कैसी फीलिंग आ रही है? भाई इस टाइम मेरी फट रही है, पूरी ट्री से फट गई हम लोग तीनों लोगों की। और सोच रहे हम लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अगर जा रहे हैं दोस्त हम लोग आते वक्त रास्ता भूल जाएंगे तो क्या होगा? भाई रास्ता भूल जाएंगे तो क्या होगा, रब रब के भरोसे हम लोग चलेंगे यार। यहीं पे रैन बसेरा बसाया जाएगा, रात भर यहीं पर आ जाएंगे। बसैबा बाबा, अगर कोई जानवर मिल गया तो उसका बच जाएगा भाई, दो तीन दिनों का एक महीने का राशन उन लोगों का हो जाएगा। हम लोग उनके शिकंजों में फंस गए था। तीन महीने का, एक दो तीन, तीन महीने का धनुष बाढ़ भी ना लिया, लेकिन मार देंगे। पिछली अबाड़ी वाले ब्लॉग में हम लोग बनाए थे, धनुष बाढ़ का जिक्र किए थे, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें धनुष बाढ़ चलाने की प्रैक्टिस है, वहाँ का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ यहाँ तो बंदे ही नहीं दिख रहे हैं, यही तीन लौंडे के अलावा। सचिन भाई, हाँ भाई, बाइक चलाने का मन कर रहा है? भाई नहीं, आप चलाइए। भाई कैमरा मैन जी थोड़ा आगे फोकस कर लीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। भाई जोगिया दरी का एक स्टॉपेज लिए हम लोग, थक गए हैं बाइक चलाते चलाते, एक भी पगडंडी और रास्ता नहीं है। कितने कोई भी दूर दूर तक आदमी या कोई नहीं दिख रहा है, चारों तरफ घुमा दे रहे हैं कैमरा, आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ कोई आदमी नहीं है। भाई तुमको कैसी फीलिंग आ रही है बताइए? भाई आई एम स्कैर्ड, हम भी बहुत डर गए भाई, दिल दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैसे सब दिल तोड़ देते हैं, दिल जोड़ देते हैं। यहाँ आइए, तो दिल की फटी पड़ी है, दिल की फटी है, गाड़ में घुसी है, यहाँ कुछ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, बस मेरे भाई और कैमरामैन और मेरे सिवा। आप लोग जोगिया दरी का हम लोग कहेंगे जिसके बम में है दम, वही करेगा इस रास्ते को फतेह, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। भाई लोग बड़ी मुश्किलों से हम लोग आते हुए, गाड़ फटती हुई हम लोग जाते हुए, एक आदमी मुश्किल से मिली हम लोगों का, खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन क्या बताए, वो तो 10 किलोमीटर दूर से आया गैया गोरु चराने, रात गुजारेंगे उनको। अभी हम लोग भटकते हुए कि जोगिया दरी का रास्ता कौन सा है। भाई यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा है वन विभाग वालों ने, कैसे आदमी जाए या आए। हिडन दरी को हम लोग एक्सप्लोर करते हुए, लेकिन भाई एक आदमी दिखे, एक बुजुर्ग आदमी दिखे, लेकिन क्या बताएं, वो भी हमें हम लोगों को रास्ता नहीं बता पाए। उन्हें भी नहीं पता है कि इधर जोगिया दरी है, उनको पता ही नहीं कि कोई है भी ऐसा नाम का। लगता है हम लोग भटक गए हैं या चल रहे हैं, अब क्या होगा क्या जाने इस जंगल में। सचिन भाई अपनी आप बीती बता दो, कितनी खुशी थी? भाई एक आदमी को देखते हुए लगा कि हाँ, जैसे कि एक रेगिस्तान में पानी नहीं मिल जाता है, उस प्रकार से कि हाँ, हम लोग हर्ष और उल्लास हो गया कि अब तो पता चल जाएगा कितनी दूर पे है ये दरी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, तब तो हम लोग को लगा ओहो, हमारी एक आस थी वो भी खत्म हो गई। ये दो रास्ता है, ये दो रास्ते हैं, किधर जाना है अब क्या बताएं। अब बहुत बुरा है, तीन रास्ते हैं भाई, अब किधर जाएंगे हम लोगों को पता ही नहीं। एक फ्रंट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, किस वाले रास्ते पर जाए क्या पता। अब भगवान ही अक्कड़ पकड़ कर ले का, 80-90 पूरे 100 लेके धागा उड़ा, किस वाले पर रास्ता क्या पता है। मैं खोजा एक बार देखा यहाँ कुछ, भाई अब तो अटक गए हम लोग। हाय हाय, जोगिया दरी को खोजते हुए एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों को ये रास्ता, सभी बोले कि पगडंडी ये ड्रोन हो तो उड़ाए तरी पाओगे, पहले देख तो कहाँ आई पहले हमने। भाई किस रास्ते से जाएं हम लोग, मैप भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर नेटवर्क है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है कॉल वगैरह। ये रास्ता तीन ठो बोले थे लोग कि पगडंडी पकड़ के जाओ, पगडंडी पकड़े, लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा रास्ता मिल गया, किस वाले से चले हम लोग, अब क्या बताएं। अब हम आपको ये हम लोग तीनों लोग फंसे हुए हैं, तो मन कर रहा है यही पे गांव मरा लें। किससे भाई भाई अब कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा क्या पता। रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं कि आप लोग कभी आए तो किस रास्ते से जाना है। एक एक सीधा वाला रास्ता है बाइक के सीधे हुए, एक लेफ्ट है, एक है राइट रास्ता। अब किस वाले रास्ते को पकड़े
वो भगवान ही जानेंगे हम लोगों को। चलिए आगे एक वीडियो का अपडेट देते रहेंगे हम लोग। भाई लोग जानते हो एक बार हम लोग हताश हो गए, किधर जाना है किधर जाना है, वही आप लोगों को चौराहा दिखाए थे ना, उस चौराहे से अगर आप मरियांस तहसील से आ रहे हैं तो गिट्टी वाला वन विभाग का जो रोड है उससे आप सीधे हो जाइए, पच्छू की तरफ जाना है। हम लोगों को एक बंदे मिले थे, वो सही रास्ता बता नहीं पाए और हम लोग 3 किलोमीटर गांव में घुस गया है, पूरब की साइड आए हैं। तो उस गांव वासी ने हम लोगों को सही रास्ता बताया कि आप लोगों को ना दक्षिण जाना है ना उत्तर जाना है ना पूरब जाना है, आप लोगों को पच्छू जाना है। इसके लिए हम लोग वहाँ रुकेंगे, उस चौराहे पर एक और वीडियो डालेंगे और उस आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि हम लोग गलत रास्ते से वापस आ गए। वहाँ हम लोग लिखेंगे अगर बरसात से मिट जाएगा तभी हम लोग तीर का निशाना बनाएंगे आप लोगों के लिए, बस कि वहाँ से अब हम लोगों को पूरब की साइड जाना है, आप लोगों को आने में और घूमने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। सचिन भाई, हाँ भाई, आप भी कुछ करेंगे इनके लिए? भाई वहाँ पे हम एक ही काम करेंगे कि चले एक मार्क बनाएंगे पत्थर पे, क्योंकि वहाँ पे लिख देंगे हम लोग या कुछ निशान छोड़ देंगे अपना कि यहीं से आपको टर्न मुड़ना है, क्योंकि अच्छे अच्छे वहाँ ना गबरा जाएंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ 4 रास्ता था, एक चौराहा समझ लीजिए, उस चौराहे से किधर जाना है सभी लोग बता। भाई एक कहावत है ना कि हम जिंदगी के उस चौराहे पे आ गए हैं। हाँ। समझ में नहीं आया हम लोगों को हम लोग किधर जाए, तो हम लोग अपने दिल की बातें सुनी। लेकिन हाँ एक बात और है, दिल की बातें हमेशा सही नहीं होती है। हाँ। लेकिन सही थी, लोगों के पास पहुंचा दी हम लोगों को, लोगों दिल का बात सुने और दिल का बात हम लोगों को एक गांव में पहुंचाया जहां से हम लोगों को सही लोकेशन का पता चला। उस चौराहे से हम लोगों को पश्चिम जाना है, पश्चिम मीन्स पश्चिम जाना है, जिससे कि हम लोग सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। 3 किलोमीटर वापस जाने के बाद, पूछने के बाद हम लोग सही रास्ते की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहां हम लोग निशान बनाएंगे उस चौराहे पर आप लोगों के लिए, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हीरे जोगिया देवी को हम लोग आज फतेह करके ही मानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसी चौराहे से गुम हो गए थे। हम लोग भूल के ना इधर से चले गए थे, ये रास्ता जो है दाहिने की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड जाता है, लेकिन ये आगे बढ़कर हम लोग को लगा कि हम लोग गलती जा रहे हैं, एक लोगों से पूछ लिए। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसी चौराहे से हम लोग गलत मुड़े थे, आप लोग को यहाँ से लेफ्ट जाना है। और इसके लिए दोस्तों हम आप लोगों को ना यहाँ पे देखिए एक पत्थर का निशान बना रहे हैं एरो, लेकिन जो कि लिखाई नहीं रहा दिख रहा, बरसात में मिट भी जाएगा, हो सकता है बरसात में मिट जाएगा। हम लोग आप लोग को मार्क कर दे रहे हैं, यहीं पे 2-3 पत्थर रख देंगे, यहाँ रखो, इधर जाना है इधर, हाँ इधर के लिए रख दे रहे हैं, मेहनत कर दे रहे हैं। हो सकता जाना किधर है, सीधे नहीं जाना है आप लोगों को, ये सीधे नहीं जाना है, जिधर पत्थर रख रहे हैं ना उधर से लेफ्ट ही जाना है। देखिए उठा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वन विभाग वाले कुछ भी कर दे, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहे हैं दोस्तों, काफी मेहनत लग रही है। और यही है मार्क, यहाँ से देखिए हम आप लोगों को घुमा दे रहे हैं, आप लोगों को इधर ही जाना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं। चला नहीं तू चला, देखिए भाई रोड इतना गड़बड़ है कि बाइक वाला हम लोगों का आगे जा रहा है और हम लोग पैदल जा रहे हैं। तू बैठ जो, हम दौड़ लगे, हम लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है, रास्ता एकदम दिखाने लायक आप लोगों को नहीं है, लेकिन जोगिया दरी जाने के लिए यही रास्ता मिला है, इस रास्ते को पकड़ कर हम लोग चल रहे हैं। भाई भी मेरा पैदल चल रहा है, चलते रहिए। आलोपी दरी के रास्ते पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बोलो दोस्तों, काफी कोशिशों के बाद हम लोग जोगिया दरी जा रहे थे, लेकिन वहां का रास्ता हम लोग भटक गए।
पता लगा यहाँ के लोगों से कि ये अलोपी दरी पहुँच गए आप लोग। देखते हैं अलोपी दरी का नज़ारा कैसा होता है। बाकी हम भी एक इंस्टाग्राम रील देख कर आए थे कि हाँ एक हिडन वाटरफॉल है, उसी को देखा जाएगा। अब यही भटकते भटकते आ गए हैं। हमारे साथियों की थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, हमको काफ़ी बाद में बुरा भला कहेंगे दोस्तों ये सब, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए ना मैं कुछ भी सह सकता हूँ। चलिए आगे आपको दिखाते हैं अलोपी दरी। आप देख सकते हैं हम लोग अलोपी दरी जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और रास्ते भी पथरीले वाले हैं, जिससे कि चलते चलते सांस फूल रही है, लेकिन लगता है कि हम लोग काफ़ी पास ही पहुँच गए हैं। बस आप लोगों को दिखाते हैं। पानी नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा अलोपी दरी में बरसात में आने के लिए। यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप बारिश के मौसम में आए, हाँ लेकिन सावधानी से आए। बाकी यहाँ पे पानी तो दिख नहीं रहा है, आप लोगों को और पास लेके चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। यही है अलोपी दरी, नज़ारा तो बहुत बढ़िया है लेकिन बरसात में आने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए अलोपी दरी, आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे बारिश के समय में आए तो ही बेहतर है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बारिश के समय आए तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे अभी पहाड़ों से थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे आना चाहेंगे तो यहाँ के लोकलों से ज़्यादा ही परिचित हों, उन लोगों से रास्ता पूछें, गूगल के भरोसे ना आए तभी तो अच्छा पड़ेगा। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर का एक हिडन वाटरफॉल है जिसके लिए आप घूमने आ सकते हैं। बाकी तो देख ही चुके हैं आप लोग, आगे दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे थोड़ा शॉर्ट्स मिले। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अलोपी दरी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक लोग थे जो कि भैया कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पे अगर आपको घूमना हो एकदम एग्जैक्ट समय बताइए जहाँ कि हम लोग आनंद ले सके। तो उन्होंने बताया कि आप मेन बारिश में जैसे सावन का महीना होता है उस टाइम आएंगे तो काफ़ी बारिश होती है, और यहाँ तक आप लोग आसानी से भी आ सकते हैं। उस टाइम बारिश में भी ज़्यादा पानी आता नहीं है लेकिन ठीक होता है। अगर काफ़ी तेज़ बारिश है तो यहाँ पे दरी के पास आना उचित नहीं होगा, बाकी आगे आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि अच्छा तो लगा बट पानी गिर नहीं रहा है, उससे थोड़ा सा निराश हूँ। लेकिन अगली बार आपको आएंगे ना तो इसका पूरा व्यू अच्छे से दिखाएंगे, जब बारिश वगैरह होगी यहाँ के अच्छे नज़ारे दिखाए जाएंगे और आपको अच्छे से इंजॉय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब।